हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू वेदा नवोदय एग्जाम। आई होप आप लोग मस्त जबरदस्त ऑसम होंगे एंड साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन जो है नवोदय विद्यालय की वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो इसी वजह से आप एक छोटा सा काम कर दो, एक छोटा सा फेवर कर दो मेरे लिए, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका जो JNVST का प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुंचा, यानी कि आउट ऑफ 10 आप अपनी प्रिपरेशन को कितना रेट कर रहे हैं, आप फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपको देने के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। सो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि कितने पानी में हो आप लोग। यस, कितने पानी में है ये तो जानना जरूरी है ना, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। तो हमारा जो JNVST 2024 है उसका एग्जाम होने वाला है, इट इज जस्ट अबाउट द कॉर्नर, एकदम सर पे आ गया है। एंड जो एग्जाम है हमारा वो कब है, वो है 20 जनवरी 2024, यानी कि 20th Jan 2024, जो कि अभी बस आने ही वाला है। और हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कोई इफ एंड बट नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हम वेदा से प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हमारे वेदा अकेडमी में सारी के सारी कंटेंट रिलेटेड टू JNVST, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो आपका मेंटल एबिलिटी हो, चाहे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हो, वो सारी के सारे कवर हो रहे हैं, है ना। क्योंकि एक और प्लस पॉइंट है कि जो सेशंस होते हैं वो हिंदी मीडियम की अलग और इंग्लिश मीडियम की अलग होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आज के डेट में बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे भाई, हिंदी मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम की क्लास क्यों देखे, इंग्लिश मीडियम का है तो हिंदी मीडियम की क्लास क्यों देखे, है ना। क्वेश्चंस अगर सॉल्व भी करने हैं लेकिन पैटर्न तो समझ में आना चाहिए ना कि हिंदी में कैसे बोलता है, इंग्लिश में कैसे बोलता है ना। उसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करो, अगर अभी तक वेदा JNVST के टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया सबसे पहले वो कर लो। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको क्या ज्वाइन करना है, वेदा JNVST EM, इंग्लिश मीडियम इज द कोड, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको क्या करना है, आपको HM को ज्वाइन करना है, यानी कि JNVST HM, ठीक है। चलो, अभी अगर नहीं ज्वाइन किया है आपने फटाफट ज्वाइन कर लो। एंड अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है, अच्छा लग रहा है कंटेंट, या फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑब्वियसली, ठीक है, तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारी कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको JNVST के बारे में जानना जरूरी है। कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम वहीं पे चूक जाते हैं जिससे कि नंबर कम आ जाते हैं, तो वो सारे के सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन PDF है, जब आपने फॉर्म भरा होगा उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आपको, वो लेकर के बैठो। मैं बताऊंगी इसके पीछे का सीक्रेट कि क्यों बोल रही हूँ मैं, बहुत जरूरी है वो। तो फटाफट अपना जो रजिस्ट्रेशन PDF है वो लेके बैठो या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के बैठो, कुछ मैजिक होने वाला है, ठीक है। चलो, तो वेदा अकेडमी का जो एप्लीकेशन है, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के पास होगा एंड कई सारे स्टूडेंट्स के पास अगर नहीं है तो फटाफट प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। वेदा अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में आपको क्या क्या चीजें मिलते हैं जी, तो लाइव क्लासेस मिलती हैं जो कि हर रोज शाम में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलती हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा जो सैम्पल पेपर है वो सॉल्व कराया जा रहा है, हिंदी मीडियम की अलग इंग्लिश मीडियम की अलग होती है, ठीक है। तो आप दोनों को भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है ना इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, यहीं पे लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, तो लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास हिंदी मीडियम की अलग इंग्लिश मीडियम की अलग होती है। देन उसके बाद 1-on-1 मेंटोरशिप भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, आप फटाफट जो हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है जो यहाँ की मैंने मेंशन किया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने टेस्ट को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यस, चैप्टर वाइज आपको जो चैप्टर चाहिए आप उस चैप्टर का टेस्ट जो है खुद से क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 मीडियम में क्रिएट कर सकते हैं, जी हाँ, हार्ड, मीडियम, इजी, जिन भी तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहिए वो क्वेश्चंस आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के थ्रू फटाफट एकदम प्रोवाइड कर सकते हो अपने आप को, यानी कि आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां पे जाके टेस्ट के सेक्शन में जाइए, टेस्ट के सेक्शन में जा करके आपको टेस्ट को क्रिएट करना है। बट हाँ, इसके रिगार्डिंग आपको जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कस्टमर सपोर्ट से ही मिलेगी, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। देन उसके बाद में इंटरएक्टिव रिवीजन, रिवीजन सेशंस जो है वो चल रहे हैं हमारे, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरएक्टिव रिवीजन होता है डाउट सॉल्विंग, पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा उन सब के डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में भी मिलता है। एंड टेलीग्राम चैनल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीपीपीज, ठीक है, डीपीपीज आपको मिलती है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कर लो, एकदम देर मत करो। लर्निंग रिपोर्ट, कितना पढ़ लिया, कितने चैप्टर्स पढ़ लिए, कितने चैप्टर्स रह गए, कितना टेस्ट में मार्क्स आया है, क्या आपका सेल्फ एनालिसिस है, सब कुछ लर्निंग रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा कंपाइल एक रिपोर्ट एनालिसिस आपको मिलता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि कितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, आपका जो रिजल्ट है हार्ड में कितने, हार्ड क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आए, मीडियम में कितने मार्क्स आए, इजी में कितने मार्क्स आए, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन, मैंने आपको बताया 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन है। देन उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये नहीं कि कोई भी चैप्टर पढ़ा दिया, कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, जी नहीं, हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर्ड आपको टॉपिक मिलता है चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको लेक्चर्स मिलते हैं, वो सब कुछ सारा का सारा कंटेंट कहाँ है, आपके वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन पे जो आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों ने अगर इस चैनल को, जहां पे आपको ये वीडियो दिख रही है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है ना रिलेटेड टू नवोदय एग्जाम वो सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। सोचो एक ही छत के अंदर, एक ही छत के सॉरी नीचे आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब हम इंस्टाग्राम पे भी है जी, ठीक है। इंस्टा पे हमारा जो आईडी है वो है वेदा अकेडमी। यहाँ पे आपको K-12 एंड साथ ही साथ JNV सबके सबके छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमें समझ नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन छोटी सी ट्रिक से हमें वो समझ में आ जाता है, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी कि वेदा के हमारे YouTube चैनल पे, साथ ही साथ वेदा के हमारे Instagram पेज पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। जी हाँ, क्या होता है ना कि एग्जाम का हमने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जब तक वो एडमिट कार्ड नहीं आता ना, तब तक हमें लगता है कि यार कुछ प्रिपरेशन तो अभी हो जाएगी, अभी एग्जाम आया ही कहाँ है ना। तो हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है JNVST का। तो फटाफट आफ्टर दिस वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, देन उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास आ जाएगा। और ये कैसे होगा प्रोसेस, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी नॉलेज मैं आपको दे दूं, ये सब कुछ हम यहाँ पे बताएंगे। मेरे पास एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, बच्चे ने बहुत हेल्प की हमारी। सो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू हम कैसे अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है जी। स्टार्ट करें, ठीक है। सो हमारा जो लिंक है वो ये है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद में हम इसको ओपन करेंगे। ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे। अगर आपके पास गूगल है तो आपको गूगल पे इस लिंक को ओपन करना है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी कर सकते हैं, बहुत इजीली ओपन हो जाएगा। जैसे ही लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया एज पे, वैसे ये पेज ओपन हो गया। फटाक से देख लो, ये पेज आपका ओपन होगा, ठीक है। अब इस पेज में क्या बेनिफिट है, इस पेज में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे ना, डायरेक्ट मैं आपको रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ वाला पेज भी ओपन करवा सकती थी, लेकिन भाई अगर मान लो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं लिया या खो गया, कैसे लोगे, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे, आप यहाँ पे अपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, कैसे,
भाई आपके पेरेंट की डिटेल चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, एंड क्रेडेंशियल आप डालोगे एंड वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो रही बात की बात। अब फटाफट हम देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर प्री फॉर क्लास 6 2024 डाउनलोड एडमिट कार्ड फेस 2। पता है आप लोगों को ना कि 2 बार एग्जाम होने वाला था। स्टार्टिंग में बच्चों ने सीरियसली एकदम बच्चे परेशान हो गए थे, पैनिक करने लगे थे कि मैम 2 डेट आई है, क्या 2 एग्जाम होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 एग्जाम नहीं है, ये समर बॉन्ड एंड विंटर बॉन्ड जो हमारे एरियाज है उसके अकॉर्डिंग 2 डेट निकली हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट जो एग्जाम है वो नवंबर में हो चुका है, जिसका एडमिट कार्ड अक्टूबर में आया था। रिमेम्बर आप लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि मैम एडमिट कार्ड आ गया है, आप मेरा एडमिट कार्ड निकलवा दीजिए एंड ऑल। ठीक है, लेकिन अब जाके आपका एडमिट कार्ड आया। ठीक है, विंटर बॉन्ड जो एरियाज थे उनके एडमिट कार्ड मिल चुके हैं, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अभी आने वाला है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो सॉरी एग्जाम जो है वो आपका 20 जनवरी 2024 को होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड निकल चुका है। एंड एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड यहाँ से करना है। क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए क्या करोगे भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। सो मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं वो मेंशन कर रही हूँ, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है। ये नहीं कि मैम जो लिख दिया वही मेंशन कर दिया, पत्थर की लकीर हो गई, नहीं। ठीक है, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, यहाँ पे चीटिंग नहीं चलेगी, है ना। एग्जाम में तो चीटिंग हम करते ही हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी हम चीटिंग कर रहे हैं, वाह जी वाह। तो यहाँ पे देखो एक और हमारे पास ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम डेट ऑफ बर्थ कैसे सेलेक्ट करें, समझ ही नहीं आ रहा भाई, रॉकेट साइंस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास नंबर नहीं है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब नंबर यहाँ पे आ गया, फिर से यहाँ पे एक बार नंबर डाल देते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एंड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करना है, ये सब बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डल गया। गलत होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा, नवोदय की साइट आपको बोल देगी सॉरी क्षमा चाहिए हमें, हम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या कीजिए दूसरा लेके आइए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ऊपर जो डेट थी उस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे 3 साल सिर्फ 3 ईयर जो है वो आपके यहाँ पे शो होंगे, जितनी एलिजिबिलिटी है वही तो शो होगा ना। अब स्टूडेंट का लेट सपोज 2012 में डेट ऑफ बर्थ आता है, 12 अगस्त कर दिया मैंने, 28th of August। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ क्या करूंगी, सम करूंगी भाई, इतनी तो आती है मुझे कि 83 होगा इसका माइनस। ठीक है, ओके, अब 83 हो गया, साइन इन कर दिया मैंने। साइन इन करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया खेल कंप्लीट। ठीक है, खेल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड बोल रहा है कि मुझे क्लिक करो डाउनलोड करना अगर एडमिट कार्ड, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया एंड इसके बाद में यहाँ पे मेरा एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड करने के लिए मैं इसको ओपन करूंगी। ठीक है, अब मेरा एडमिट कार्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड मेरा ओपन हो गया है, जिसमें कई सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, जितनी भी डिटेल्स मैंने फिल की थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आप कई सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम सिग्नेचर कहाँ करना है, क्या यहाँ पे सिग्नेचर करना है फोटो के जस्ट नीचे, भाई यहाँ पे तो सिग्नेचर किया हुआ है तुमने, है ना, यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो आपने कर लिया है ऑलरेडी, तो आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिग्नेचर आपको कहाँ करना है जी, सिग्नेचर आपको करना है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट की जगह पे, ये भी तब करना जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ एंड जो इन्विजिलेटर है यानी कि जो एग्जामिनर होंगे वहां पे, जो टीचर अवेलेबल होंगे, अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे भाई सिग्नेचर कर लीजिए तो आप कर लीजिएगा, या फिर आप रूम में बैठ के सिग्नेचर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है 11:30 बजे सुबह में। ठीक है, 11:30 AM एग्जाम होने वाला है, एंड कब होगा जी, तो 1:30 PM पे एंड होगा। लेकिन आपको पहुंचना कब है, 10:30, यानी कि 1 घंटे पहले पहुंच जाना। ठीक है, क्योंकि कई सारी चेकिंग होती है वहां पे,
1 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। लेट अगर हो गए तो एंट्री लेट करोगे तो एग्जाम ऑब्वियसली लेट स्टार्ट होगा, है ना। तो एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। ऑलरेडी प्रिपरेशन तो चल ही रही है आपकी, लेकिन एग्जाम सेंटर पे आपको क्या करना है, 10:30 पहुंच जाना है, ठीक है। 10:30 AM पहुंच जाना, बिल्कुल डिले नहीं करना, क्योंकि एंट्री होगी वहां पे। देन उसके बाद आपको शीट मिलेगी, वो फिल करना होगा, रोल नंबर बबल्स करने होंगे, बहुत सारी दुनिया जहान की चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, वो OMR शीट जो है वो आपको कैसे फिल करनी है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट ना OMR शीट फिल करने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, बहुत प्रॉब्लम भाई, मैंने देखा है कई सारे बच्चों के OMR शीट, एक ही क्वेश्चन में दो दो बबल, अलग ही खेल चल रहा होता है उनका, एक ही क्वेश्चन में दो दो बबल, मशीन अपने आप से डिटेक्ट करे भाई कौन सा आंसर सही है ना। मशीन के साथ हम क्या करते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं मशीन के साथ में, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट वीडियो को देखना है, अगर हमें OMR शीट कैसे जल्दी फिल करते हैं, कैसे सही तरीके से फिल करते हैं, अगर ये सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। एंड उसके बाद में ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन एरिया है, ठीक है, ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन एरिया है, इसमें भी कई सारे पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए आपके पास, देर उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर आपको कैसे करना है, कौन सा सिग्नेचर होना चाहिए, बहुत दुनिया जहान की चीजें हैं जिसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको क्या करना है, उस वीडियो को देख लीजिए, ये पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो वहां पे मैंने आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया है, ठीक है। तो आई होप जो सरप्राइज है वो आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। तो फटाफट एडमिट कार्ड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे वेदा के जो JNVST का इंग्लिश मीडियम अगर भरा हुआ है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भरा तो हिंदी मीडियम, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। एंड अपना एडमिट कार्ड शेयर कर दो वहां पे, ठीक है, ताकि रिजल्ट के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, है ना। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम रिजल्ट नहीं दिख रहा है, हमें रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पे फिर हमें एडमिट कार्ड फेच करना होता है, तो पहले ही एडमिट कार्ड भेज दो ताकि उस टाइम में ना ज्यादा झोल झाल ना हो हमारे साथ, है ना, ज्यादा क्वेकी थिंग्स चीजें ना हो, ठीक है। ओके जी, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, रिलेवेंट लगा होगा, अगर इंटरेस्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो दोस्त सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये जो चैनल है ना यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू JNVST मिलने वाली हैं, ठीक है, तो कुछ मिस नहीं करना है ना। एक साल है, जिंदगी का एक साल है जो हमें JNVST के लिए एलिजिबल बनाता है, उस एक साल के लिए यार इतना तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, एंड सारे के सारे जो अपडेट्स हैं वो वेदा के हमारे नवोदय एग्जाम के चैनल पे आपको देखना होगा, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।